Good morning, everyone. Today, I am going to perform the experiment that the solids expand on heating. कुछ लोगों ने मुझे बच्चों ने कहा कि एक्सपेरिमेंट हिंदी में परफॉर्म करिए, तो मैंने आज थोड़ी हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों इसको कवर कर लें। तो इस काम के लिए मुझे चाहिए एक बॉल और एक रिंग। रिंग एंड बॉल ऑपरेटस है ये। इसको पकड़ने के लिए एक टोंग और इसके साथ मैंने एक रखा हुआ है मोबाइल ताकि मुझे पता लगे कि कितनी देर इसको गर्म करना है। इसको हमने कम से कम 2 मिनट्स के लिए गर्म करना पड़ेगा और मुझे चाहिए स्पिरिट लैंप। तो ये है मेरे पास बॉल। ये बॉल जो है ये रिंग में से गुजर जाती है। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए बॉल रिंग में से आराम से अगर जलक गुजारो तो गुजर जाती है। अब मैं इसको गर्म करूंगा मिनिमम 2 मिनट्स। ये देखिए अब ये गुजर जाती है। मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दी है और 2 मिनट्स के लिए I will heat it. तो बहुत से स्टूडेंट्स लॉकडाउन पीरियड में मेरे इन एक्सपेरिमेंट्स का फायदा उठा रहे हैं और बाकी के स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा नई नई वीडियोस का लाभ आपको मिल सके। यू आर गेटिंग रेगुलरली न्यू वीडियोस ऑन दिस चैनल। इट इज जस्ट फॉर द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो it is better for you if you subscribe the channel and share the videos with your friends. तो अभी एक मिनट हो चुका है तो मिनिमम 2 मिनट के लिए आप इसको हीट करेंगे। मिनिमम 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से ज्यादा कर सकते हो परंतु मिनिमम 2 मिनट्स। डेढ़ मिनट हो गया है, आधा मिनट और। अब अगर ये बॉल इस रिंग में से अब नहीं गुजरती, इसका मतलब है कि बॉल एक्सपेंड कर गई है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा दैट द सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो 2 मिनट हो गए हैं, लगभग 2.25 मिनट ही हो गए हैं। अब देखिए ये बॉल इसमें से नहीं गुजरती। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट solids expand on heating. So thank you, have a nice day. कल हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे, liquids expand on heating, और फिर next day gases expand on heating. So today I have shown, आपको दिखाया गया है कि जो solid पदार्थ होते हैं वो
गर्म करने पर फैलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।